सुप्रभातम मास्टर सूर्यसेन दा, निर्मल दा, प्रीति लता जी, कृपया आज मेरे आतिथ्य का स्वीकार कीजिए, मेरे घर भोजन एवं विश्राम कीजिए। सूर्यसेन दा, कृपा करिए अमार अतिथिर शिकार करोन। क्षमा कीजिए सावित्री देवी, हम आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भाई साहब का निधन हो गया है, उनके पश्चात आपको अकेले को ही दोनों बच्चों की परवरिश करना है। हम जैसे क्रांतिकारियों को आश्रय देकर सीधा आप आफत मोल ले रहे हैं। सावित्री देवी, आपको बेइंतहा कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी, कृपया हमें जाने दीजिए, भोजन का आग्रह मत कीजिए। मास्टर सूर्यसेन दा, 18 अप्रैल 1930 को आपके नेतृत्व में आपकी सेना ने चित्तगांव पर हमला कर वहां का टेलीफोन, टेलीग्राफ एवं रेलवे विभाग ध्वस्त कर दिया। आपने चित्तगांव में भारत का झंडा लहराया, वहां प्रति सरकार की घोषणा की। आपके इस अभूतपूर्व पराक्रम का हम भारतीयों को नाज है। आपके दर्शन से ही इस सावित्री देवी का जन्म सफल हो गया। प्रीति लता जी, ढाका बोर्ड में प्रथम आने के बावजूद आप स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय हो। मुझ जैसे सामान्य गृहिणी को कम से कम आपको एक बार भोजन खिलाने का सुअवसर तो दीजिए। बाड़ी ते एले ओतिथि के ना खे पाठो ना ओधोर्म। सावित्री देवी, आज 14 सितंबर 1932 आप जैसे महिला समर्थकों के कारण ही हम 2.5 साल से अंग्रेजी सरकार को चकमा देने में कामयाब रहे हैं। हमें भोजन की नहीं, आपके भविष्य की चिंता है। सूर्यसेन दा, अपनी माँ भवतारिणी के भरोसा को ना की? आप भवतारिणी पर विश्वास करते हो ना? वही हम सबकी रक्षण करती है। घर आए अतिथि को भूखा भेजना महापाप है। मास्टर दा, आप चिंता ना करें, मेरे घर के आसपास बच्चों को पहरेदार के रूप में मैंने पहले से ही नियुक्त कर रखा है। आप दूसरे मंजिल पर जाकर विश्राम कीजिए, मैं तुरंत भोजन का प्रबंध करती हूँ। इस छोटे से गलघाट गांव में आपका बाल भी बाका ना होगा। मास्टर सूर्यसेन दा, निर्मल दा, अपूर्व सेन दा और प्रीति लता जी तथा अन्य सहकारी दूसरे मंजिल पर चले गए। सावित्री देवी पाक सिद्धि में व्यग्र थी, किंतु वह पूर्ण रूपेण सावधान थी। पहरेदार पर नियुक्त एक बालिका दौड़ी दौड़ी चले आई, हाफते हाफते कहने लगी, सावित्री काकी माँ, पुलिस घरेर काचे पाए चले कोर्चे। सावित्री भाप गई, पुलिस अब घर तक पहुंच चुकी है, जरूर कुछ करना चाहिए। सारे क्रांतिकारी एकदम स्तब्ध हो गए, सोचने के लिए समय भी नहीं मिला। हवालदार के साथ साथ कैप्टन कामरू घर की सीढ़ियां चढ़ते नजर आए। हवालदार आगे थे और कैप्टन पीछे। अपूर्व सेन ने चपलता से हवालदार को एक जोरदार धक्का दिया, हवालदार धड़ाम से जा गिरा। मास्टर सूर्यसेन दा ने कैप्टन पर गोली दाग दी। इस अफरा तफरी का लाभ उठाकर सूर्यसेन दा और प्रीति लता जी कूद कर भाग गए। अपूर्व सेन भी भागने की कोशिश में थे, किंतु पुलिस की गोली के वे शिकार हो गए और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। अंदर निर्मल सेन भी खिड़की से कूदकर आगे जाने की कोशिश में थे, किंतु वे भी गोली के शिकार हो गए और अंदर चले गए। सावित्री के मकान के चारों ओर पहरा बिठा दिया गया। हवालदार ने पुलिस थाने में पुलिस की और एक टुकड़ी घटनास्थल पर पहुंचाने का प्रबंध कर दिया। सैनिकों ने गोलियां दागने की झड़ी लगा दी, किंतु अंदर से कोई भी प्रतिकार नहीं था। सैनिकों ने छुपते छुपते
कमरे के अंदर झांका, उन्होंने निर्मल सेन का शव देखा। क्रांतिकारियों को आश्रय देने के फलस्वरूप सावित्री देवी और उनके पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। 4 साल तक कठोर कारावास का दंड भी दिया गया, लेकिन सावित्री जी को अपने दंड का दुख नहीं था। दुख यह था कि उनके घर पर क्रांतिकारी मारे गए। राष्ट्र समर्पिता सावित्री जी, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम।